ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर कोरोना पेशेंट, कोरोना पेशेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, आज कोरोना ने बहुत ही उधम मचा के रखा हुआ है, मगर 90% लोग जो है वो होम क्वारंटाइन है, वो घर में इलाज कर रहे हैं। अब जब घर में इलाज करते हैं मतलब उनको कोई ज्यादा लक्षण है नहीं, ना दम लग रहा है, ना ऑक्सीजन जरूरी है, और वो घर में आराम से रह रहे हैं। मगर उनको एक बात बार बार सता रही है कि भाई क्या हमें लंग इन्फेक्शन होगा, लंग इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, मतलब वो ऐसे सवाल आते रहते हैं। इसके लिए घर में बैठे बैठे जो टेस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग टेस्ट। दो प्रकार की टेस्ट है, एक ये है कि आप लंबी सांस लो और उसको रोक के रखो, और सांस जितनी लंबी ले सकते हो उतनी लो, और ताकत लगा के, और ताकत जितना ले सकते हैं लंबी उतनी लंबी सांस लो और उसको फिर बाद में रोक के रखो। साधारण आदमी जो है वो 25 सेकंड के ऊपर वो सांस रोक सकता है। यदि आपका सांस रोकने का समय 20 सेकंड से कम है तो थोड़ा अलार्मिंग साइन है, थोड़ा येलो अलर्ट है। यदि वो आपका सांस रोकने का समय 7-8 सेकंड ही है, 9 सेकंड ही है, तो फिर बहुत ज्यादा अलार्मिंग साइन है, बड़ी अलार्मिंग साइन है कि नहीं कुछ तभी गड़बड़ है या हो सकती है। फिर आपने क्या करना है कि सांस अंदर लेना छोड़ना, अंदर लेना छोड़ना, अंदर लेना रोकना और छोड़ना, ये रोज एक्सरसाइज करने की है। और उसमें फिर आप 2-2, 3-3 सेकंड बढ़ा सकते हैं। यदि आप वो बढ़ाते बढ़ाते 25 सेकंड तक लेके गए, 25 सेकंड के ऊपर तक लेके गए, तो आपकी लंग्स नॉर्मल है, आपको कोई चिंता का काम है नहीं। मगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप ये अकेले बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बाकी लोगों के घर में बाकी और किसी को कोरोना उसके साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपका 8-10 सेकंड का टाइम होगा, वो अपने को कम से कम 20 सेकंड के ऊपर ही लेके जाने का, 20 सेकंड के नीचे नहीं होना है। आप 35 सेकंड के ऊपर है तो फिर डरने का कारण ही नहीं है, आप अच्छे एकदम आपके लंग्स हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये हो गए एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है 6 मिनट वॉकिंग। अभी एक्सरसाइज क्या होती है, 6 मिनट वॉकिंग, तो आपने क्या करना है कि पल्स ऑक्सीमीटर से पहले अपना जो राइट हैंड है, मतलब जो काम करने वाला हाथ है, लेफ्ट होगा या राइट होगा, उसकी उंगली को एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाने का है, और हमको ये पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखने का है कि अपना SpO2 लेवल कितना है, SpO2 कॉन्सेंट्रेशन है कितना। और जो भी आपका SpO2 लेवल होगा या SpO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो पल्स और SpO2 नाप के रखना है, और फिर आपने 6 मिनट जरा फास्ट चलने का है। जब आप 6 मिनट फास्ट चलते हो और 6 मिनट फास्ट चलने के बाद में आपने फिर से SpO2 नापने का है। यदि वो SpO2 आपका 3 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है तो फिर थोड़ा धोखे की घंटा हो सकती है, ज्यादातर गिरना नहीं चाहिए। यदि वो गिर जाता है, 4 पे गिर गया तो डेफिनेटली अलार्मिंग साइन है, और फिर आपने उसके लिए ज्यादा केयर लेना जरूरी है। फिर आप ज्यादा एक्सरसाइज करो, लंग की एक्सरसाइज करो, ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज करो, जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो उतनी एक्सरसाइज करो ताकि लंग्स अपनी एक्टिव रहेंगे। तो ये दो एक्सरसाइज है, 6 मिनट वॉकिंग, पहले पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 लेवल, बाद में 6 मिनट के बाद में SpO2 लेवल, और दोनों के बीच में 3 या 4 पॉइंट के SpO2 उतरना नहीं चाहिए। यदि वो उतर जाता है, मतलब ज्यादा होता है कि भाई समझो आप वॉकिंग करते उसके पहले 97 है और वॉकिंग करने के बाद में वो 94 होता है, 93 होता है, तो ये अलार्मिंग साइन हो सकती है। तो आपने ये दोनों टेस्ट करके देखना है जब आप घर में आइसोलेशन में है, और ये टेस्ट तो आप कभी भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, और अपने आपका स्टेटस क्या है लंग इन्वॉल्वमेंट का वो देख सकते हैं। ये दोनों टेस्ट में आपको यदि प्रॉब्लम दिखा तो डेफिनेटली डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए, होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी फिर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो सकती है और आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आपको अच्छा लगा तो बहुत ही बढ़िया है, मेरा ऐप है डॉक्टर केयर नाम का, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं, हमारा वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।